हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मुशायद चैनल में। मैं मुशायद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एसएससी जीडी का पेपर लेके आया हूं, मैथ्स का। ठीक है, मैंने तीन पेपर आपको करा दिए हैं, दो रीजनिंग के पेपर हैं उसमें और एक मैथ का पेपर है। ठीक है, आप लोगों ने उसमें लगाए होंगे, अपना स्कोर भी चेक किया होगा कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, आज मैं मैथ के सवाल को कराता हूं इसी तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, देखो इसे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 8,250 रुपए की एक धनराशि 5 वर्षों में 2475 रुपए का साधारण ब्याज प्रदान करती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है। इस पर क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। इसका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन क्या हो जाता है, अपॉन 100। ये वाला फॉर्मूला होता है। ब्याज कितना है, 2475 रुपए दिया है इसमें। ठीक है, और 8,250 मूलधन है, दर मुझे निकालनी है, और समय कितना है इसका, 5 वर्ष बटे 100। 10 से 10 काट दूँ दोस्तों मैं। ठीक है, अगर मैं 5 से काटूँगा, 5 दूनी 10, 2 आ गए, यहाँ काटूँगा मैं 5 से काट देता हूँ, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 6 30, 5 25, यहाँ 5 4 20, 5 नेम 45 और 5 25, फिर 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 5 नेम 45 और 5 नेम 45, 33 3 और 3 दूनी कितने हो गए, 6। तो दर कितनी हो गई हमारी, 6% हमारी दर हो गई। ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल साधारण ब्याज का है, बड़ा सिंपल सवाल होता है। उसके आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये, ठीक है, दूसरा सवाल क्या है, ग्राफ से दिया हुआ है इन्होंने। ये पूछ रहा है कि 2021 से 2027 तक औसत निर्यात कितना हुआ है। तो उसने क्या किया है, 2021, 2022, 2023, 2027 तक निर्यात को दर्शाया है। ठीक है, तो इनका क्या निकालना है, मुझे औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, योग करते हैं। तो ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, पहले जो 2021 है 500, दूसरा 750, तीसरा 1000 है, चौथा 1200, पाँचवा 1100 और छठा है 900 और 1300। इन सबको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बस सिंपल सिंपल जोड़ते हैं तो 1300 और 900 2000 हो गए। ठीक है, और इधर 13, 9, 2000 और 15 और 12 27 और 11 होते हैं 38, 38 और 2 58 और 7 55। ठीक है, ऐसे जोड़ लेते हैं इसको, ओरली ऐसे समझते हैं। ठीक है, डायरेक्टली जोड़ते हैं इसको आराम से। ठीक है दोस्तों, तो 1500 और 1250 1250 हो गया, 1000 2250 हो गया, 2200 और 2450 हो गया, 1200 जोड़ देंगे, 1100 और जोड़ देंगे इसमें तो 3400 2 4450 हो गया, 9 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 5450 और 13 जोड़ देंगे 6750 हो गया। 6750 डिवाइड बाई 7 तो कितना हो गया, 7 नेम 63, बचा कितने 4 7 6 42, बचा कितना 7 6 42, 3 7 4 28, 7 6 28 आ गया और 28 मतलब 964। जैसे ही 96 आया तभी ये आंसर लग सकता था, 0.2428 लगा सकते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका भी आंसर। ठीक है, तो दो ऑप्शन लग गए, अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है हमारा, इसको आराम से पढ़ लीजिए। तीसरा सवाल कह रहा है, एक लंबवती शंकु का आयतन उस लंबवती बेलन के आयतन के बराबर है जिसकी ऊंचाई 27 सेंटीमीटर और इसके आधार का व्यास 30 सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। एक लंबवती शंकु दिया है, लंबवती शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 πr² h, और यहाँ पर कितना है, बेलन का आयतन πr² h ये होता है। अब इनके आयतन कैसे हैं, आपस में बराबर हैं, लेकिन ये कह रहा है उस लंबवती बेलन के आयतन के बराबर जिसकी ऊंचाई, पाई से तो पाई कट जाएगा दोस्तों, 1/3 आ गया, यहाँ पर r² मुझे निकालना है इसका, जिसकी r तो इसकी दे दी है, शंकु की ऊंचाई 25 है। ठीक है, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 25 है, और इसका व्यास कितना है,
15 × 15 और ऊंचाई इसकी दे दी 27। तो हमसे पूछ रहा है, इसका व्यास पूछ रहा है, तो सिंपल है दोस्तों, 25 5 × 15 3 आ गया। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 की घात 3 × 27। ये भी 27, तो r कितना हो गया 27 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो r बराबर कितना आ गया 27। अगर r 27 आ गया तो उसका व्यास पूछा है, तो 27 दूनी कितने होते हैं 54 होते हैं दोस्तों, 27 दूनी कितने होते हैं 54 होते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ पढ़ते हैं, इसको आराम से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, 100 वस्तुओं में से 25 वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा जाता है, शेष को 25% की हानि पर बेचा गया, तो कुल हानि प्रतिशत क्या है। तो ये समझ लेना है मुझे, 100 वस्तुएं बेची गई हैं, 100 वस्तुओं में 25% लाभ पर बेचा गया। 25% का मतलब कितना होता है दोस्तों, 25% का मतलब होता है 1/4। कोई चीज़ एक थी, 4 से कितनी हो गई 5 हो गई, तो कितना हो गया 25 × 5/4 प्लस 75 × 3/4, ये टोटल बेची गई है इसमें से। अब हमने इसको निकाला तो टोटल कितना आ जाएगा, 4 × 1 = 4 हो गया, ठीक है। और इस तरीके से नहीं काटते हैं, इस तरीके से जोड़ लेते हैं इसको, 75 × 3, तो यहाँ पर 125 हो गया, 125/4, यहाँ कितना होगा 3 × 5 = 15, हाथ से लगा 1 × 3 = 3 7 = 21 और 1 = 22/4। अगर मैं इन दोनों को जोड़ लूँ तो कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा दोस्तों, 3 × 5 = 15 हाथ से लगाई 3 × 7 = 21 और 22, ठीक। इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 5 0, ठीक है, 2 और 4 5 और 4, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 350 आ गया, 25 × 5 = 125 हो गया, 4/5 आ गया, यहाँ 3 × 5 = 15, 3 × 7 = 22 हो गया, ठीक है, 225 और, ठीक है दोस्तों, कितना आ गया मेरा, इन सबको जोड़ दिया तो 125 आ गया, और ये कितना आ गया 225 आ गया, और 4/5 ये कितना हो गया 350 × 4 हो गया, ठीक है। अब इसको मैं 100 में से घटा दूंगा, 100 में से 350 × 4 को मैंने घटा दिया, तो कितना आया, एक आया यहाँ पर बचा, तो 400 में से 50/4, 4 से डिवाइड कर दूंगा 12.5%, ये कितना हो गई, हानि हो गई, क्योंकि कम आया है दोस्तों, 12.5% की उसे हानि हो गई। आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन दूसरा इज़ द राइट आंसर हो गया इसका। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, चौथे सवाल की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये बर्गन टाइम का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है। बर्गन टाइम के 40 मैकेनिक 56 दिन में एक बाइक की मरम्मत कर सकते हैं, 32 मैकेनिक उसी कार को कितने दिन में करेंगे। तो ये सवाल होता है M1D1 = M2D2 का, तो M1 कितने हैं, कितने आदमी हैं, 40 मैकेनिक इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 56 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के कितने आदमी चाहिए, इसे 32 मैकेनिक चाहिए, और इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, 8 × 7 = 56, 8 × 4 = 32, 4 × 2 = 40 और 7 × 2 = 70, तो कितने दिन में कर देंगे, 70 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, चौथा इज़ द राइट आंसर हो गया, ऑप्शन कौन सा हो गया, चौथा इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं छठे सवाल की तरफ, आसानी से आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं अपनी स्पीड तेज़ रखता हूँ, आपको भी ये पता है, ठीक है। आगे करते हैं, 23, 27, 29 और 36, 47 प्लस एक्स का औसत 35 है, तो एक्स का मान क्या होगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें क्या करते हैं हम, औसत जब भी पूछता है तो संख्या को जोड़ लेते हैं, 27 आ गया, 29 आ गया, ठीक है, इनका अंतर जो है वो सेम नहीं है, इसीलिए इस संख्या को हमें जोड़कर ही करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 = 35, 6 = 35 आ गया। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं, 7, 6 = 13, 13 + 9 = 22, 22 + 7 = 29, 29 + 3 = 32, हाँ से लगा 3, 4 × 3 = 7, 7 × 2 = 9, 9 × 2 = 11, 11 × 2 = 13, और 13 और 3
162 प्लस एक्स बराबर 6 कितना हो गया 30, 6 18 और 3 21। अब मैं घटा दूंगा, ठीक है, 10 में से दोस्तों 8 बचेगा, यहाँ पर रह गया 10, 10 में से 4 के 48, तो x का मान कितना हो गया 48 हो गया। 48 ऑप्शन कौन सा है, तीसरा। 48 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। छठे सातवें सवाल पे बढ़ते हैं आगे, ये पाइप एंड टंकी का सवाल है, नल के, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ठीक। नल के एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है और नल एल उसी टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, तो नल के और दोनों को उस टैंक को कितने समय में भर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सवाल है, तो एक है नल के और दूसरा है नल एल, नल के है वो 8 घंटे में भर सकता है, नल बी कितने में भर सकता है, 20 घंटे में। मैंने कहा था जब मैंने वर्क एंड टाइम नल पाइप एंड टंकी आपको पढ़ाया है, तो मैंने आपको ये बताया है कि इसमें क्या करते हैं कि बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, यानी कि टेबल पढ़ते हैं, 20 दूनी 40, यानी 40 इससे भी कट जाएगी और इससे भी कट जाएगी, 8 5 40 और 20 दूनी 40, ठीक। तो सवाल ये कह रहा है कि दोनों से भरवाना है, दोनों 7 भरते हैं और भरना कितने लीटर पानी है, 40, तो 7 40 बटे 7। ये सिंपल क्वेश्चन भी है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 हो गया इसका राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल की तरफ, इस सवाल को मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे लिखिएगा, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 960 रुपये है, तो यदि पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, दूसरी को 20% की हानि पर, तो कुल हानि क्या होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसका भी क्या निकालना पड़ेगा, सीपी निकालनी पड़ेगी, 120% के लाभ पर बेचा जाता है और दूसरी वस्तु की सीपी कितनी है 960, तो अगर मैं काट दूंगा 12 8 96, यानी कि 800 रुपये मेरा क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 लग जाता है, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 1760। अब मैं दूसरी संख्या का निकालता हूँ कि क्या कह रहा है उसको विक्रय मूल्य, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 960, ठीक है, और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, आगे निकालता हूँ, तो इसे जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर 800 रुपये इसका 20 180 बटे 100, क्योंकि उसे क्या करा जाना है, 20% की हानि पर बेचा जाता है, जो 800 रुपये की थी दूसरी वस्तु को, अच्छा दूसरी का क्रय मूल्य 960 था, ठीक है 960 रुपये, तो अगर मैं यहाँ पर 960 बटे 0 लिख दूंगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 960 प्लस 8 6 48, यहाँ से लगा 4, 9 8 9 72 और 4 6। अब मैं देखो इससे तो ये कट जाएगा दोस्तों, 960 960 घट जाएगा, इसमें जो अंतर होगा वही अंतर होगा, कितने का अंतर आ गया 32 का, तो वही मेरा आंसर हो गया 32 रुपये। कितना आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इसका भी करेक्ट है, 32 रुपये का क्या हो गया, अंतर हो गया, क्योंकि अगर मैं घटाऊंगा तो 960 में से 960 घट जाएगा और 800 में से मुझे 768 घटाने होंगे, तो कितने बचेंगे, 32 बचेंगे, तो 32 रुपये का क्या है, उसे हानि हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, कोई भी सवाल अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो क्या करेंगे, आप कमेंट में बताएंगे कि हमें सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, मैं उसको दोबारा आपको बताऊंगा। नवे सवाल पे आते हैं, नीरज 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर की दो दूरियों को क्रमशः 1 घंटे और 5 घंटे में तय करता है, संपूर्ण यात्रा के लिए नीरज की औसत चाल बताइए, तो 10 किलोमीटर भी जाता है और 20 किलोमीटर भी जाता है बटे चाल, अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो औसत चाल में भी हम क्या लगाएंगे, जितनी भी दूरी यदि हैं वो लिख देंगे, औसत चाल बराबर दूरी फर्स्ट प्लस दूरी सेकंड बटे समय, तो यहाँ पर कितना आ गया 10 प्लस 20 बटा पहले समय कितना है 1 और दूसरा समय कितना है 5, तो कितना हो गया 30 बटे 6 6 5 30, तो 5 क्या हो गया इसका आंसर हो गया, 5 क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर क्या हो गया 3 इज़ द राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 10वां 11वां सवाल पर, ठीक है, इससे पहले 10वां सवाल भी है, हाँ ये चार्ट वाला है दोस्तों, इसको कहा गया है यदि देश के द्वारा प्राप्त तो वार्षिक हिमपात 700 सेंटीमीटर है, हिमपात कितना है दोस्तों 700 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, S3 और S2 के वार्षिक हिमपात में क्या अंतर है, तो S3 20% है दोस्तों, S3 कितना है 20% है और S1 कितना है 5%, तो 15% है, तो दोनों में अंतर कितना है 5% का अंतर है, तो दोस्तों ये कह रहे हैं टोटल हिमपात कितना है 700, तो 100% की वैल्यू कितनी है 700, तो 1% की वैल्यू 100% की वैल्यू 700,
तो 1% की वैल्यू कितना हो गया 7, तो 5% की वैल्यू कितनी हो गई 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 हो गई। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, 4, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, आप लोगों को समझ में आ भी रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 2000 रुपये, 2000, ठीक, यहाँ पर भाग दे दिया 1/2 ऑफ 25/2। ठीक है, जब ऑफ लग जाए दोस्तों तो वो एक ब्रेकेट में बंद कर दिया करो, थोड़ा 5/2, ठीक है, ऑफ 4/25 -5। ठीक, इसका मान पूछ रहा है और इसमें 4 विकल्प दिए ही हैं, 121, 123, 122, 126। तो बड़ा आसान सवाल है, इसको यहाँ से बंद कर दो, क्योंकि भाग से पहले क्या सॉल्व होता है दोस्तों, ऑफ सॉल्व होता है, ऑफ, तो इसे सॉल्व, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। तो 2000 रुपये भाग 1/2 गुणा 25/2 गुणा, यहाँ कितना हो गया 5/2, ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया 4/25। अब मैं इसको पूरा ही यहीं सॉल्व कर दूंगा, तो 25/4 यहाँ आ गया, यहाँ कितना आ गया 2 × 2 = 4 हो गया, 5 × 25 हो गया, तो कितना आया 2/5 यहाँ आ गया, तो 2000 दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा 25/4 आएगा, तो इसको गुणा में चेंज कर दूंगा, तो कितना हो गया इतना, और यहाँ पर कितना हो गया 2/5, और ये कितना आ गया 5। अगर मैं 25 से इसको काटूंगा तो कितना कट जाएगा 80 बार में, 25×8 = 200, ठीक है, और 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 16, 16 × 64 दूंगी 128, में से 5 कहे कितना बचा 123, 123 कौन सा विकल्प है दोस्तों, बी, यानी कि दूसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया। आप आराम से सवालों को लगाते जाइए, आप लोग देखेंगे कितनी स्पीड से सवाल हो रहे हैं, इतने ही सरल पेपर में आपके आने वाले हैं। ठीक, तो कंटिन्यू करते हैं, इस चीज़ का ख्याल रखना है, ये सरलीकरण का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऑफ पहले सॉल्व किया जाता है, डिवाइड बाद में सॉल्व किया जाता है, क्योंकि हमारा बोर्ड मस का रूल यही कहता है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 12वां सवाल देखते हैं। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, प्रत्येक घंटे के अंत में इसकी चाल 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। सवाल कह रहा है कि 25 किलोमीटर चलती है, फिर 7 किलोमीटर बढ़ा लेती है, इसका मतलब 25 में 7 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगी 32 हो जाएगी, 32 में फिर 7 बढ़ा देंगे तो कितनी हो जाएगी 39 हो जाएगी, और 39 में 7 बढ़ा देंगे 46 हो जाएगी। इसे काउंट करके देखते हैं, 225 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो एक घंटे यहाँ चली, ठीक है, एक घंटे यहाँ चली, और एक घंटे यहाँ चली, और एक घंटे यहाँ चली, अब इसको टोटल करते हैं, 6, 9, 15, 15, 2, 17, 17, 5, 22, ठीक है, हासिल लगे 2, 7, 7, 7 और 3, 10, 10, 2, 12, 2, 14, अभी तो बहुत चलना है, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, 7 किलोमीटर और चल गया, तो 53 और जोड़ देंगे इसमें कितना हो गया 5, और यहाँ पर 195 चल गया, और 195 में मतलब बस 7 और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, मैं 60 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 195 में, अगर मैं 60 किलोमीटर जोड़ दूंगा तो 5 और 5 255 हो जाएगा, लेकिन मुझे चलना कितना है दोस्तों 225 चलना है, तो इसका मतलब मुझे यहाँ कितने जोड़ने होंगे 30 किलोमीटर जोड़ने होंगे, तो पूरा एक घंटा क्या आ गया 1, 2, 3, 4, 5 घंटे यहाँ पर आ गए। अब मुझे 30 किलोमीटर और चलना है, इसका मतलब ये तो पूरे घंटे में 60 किलोमीटर जाएगा, लेकिन मुझे आधा घंटा चाहिए, इसमें से कितना चाहिए आधा घंटा चाहिए, तो जोड़ लिया मैंने तो कितने आ गए 5, 2, 5, 10 और 11/2 आ गए दोस्तों, कितने आ गए 11/2 घंटे आ गए। ठीक है, समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, इसका कौन सा आंसर सही है, पहला ऑप्शन, ठीक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। आगे सवाल की तरफ चलते हैं, 13वां सवाल कह रहा है कि इसमें बहुलक क्या है, बहुलक वह होता है जो सबसे ज़्यादा बार काउंटिंग में आता है, तो काउंटिंग में हम देखते हैं इसमें कौन आया है काउंटिंग में, इसमें 21 चार बार आया है, 21 नहीं होगा, 23, 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
करना होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है वही हमारा क्या होता है, बहुलक होता है। आगे बढ़ते हैं, चौदहवें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौदहवा सवाल कह रहे हैं 10,500 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से इतने इतने रुपये 2 वर्ष में 17,745 रुपये बन जाती है तो वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित किया जाएगा, वार्षिक ब्याज की दर की जाए। जब भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल दे और आपको मूलधन और मिश्रण दे तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका
सिर्फ रूट निकाल देना है। दो साल है तो रूट निकालेंगे, अगर तीन साल होते तो क्यूब रूट निकालते हैं, ठीक है। 10, 5, 0। तो सबसे पहले अगर ये कट जाए तो काट लेते हैं, 5 × 3 = 15 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर कितने बचे, 2 × 5 = 25, ठीक है। यहाँ 24, 5 × 4 = 20 और 5 × 5 = 45, यहाँ पर 5 × 2 = 10, 5 = 21 हो गया, ठीक है। 7 से कट जाएगा, 7 × 7 = 21, 21 से कट जाएगा, 21 × 1 = 21, ठीक है। और बच्चे कितने यहाँ पे, 4 और यहाँ पे 2 = 24 और 21 × 6 = 296 और ठीक है 169, यहाँ पर कितना 2100 आ गया, ठीक है। अब मैं इसका रूट निकालूंगा दोस्तों, तो निकल जाएगा तो कितना आएगा 13 और यहाँ कितना आएगा 10 आएगा। तो अब मैंने देखा है कि ये संख्या एक साल में कन्वर्ट हो जाती है, किस में कन्वर्ट हो जाती है, जब रूट निकल जाए या क्यूब रूट निकल जाए तो एक साल में कन्वर्ट हो जाती है, फिर उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर कितना अंतर आया, 3 का, 3 का अंतर कब आया, 10 पे। मूलधन कितना है, 10, यही तो मूलधन है, मूलधन दोस्तों ये है और मूलधन मेरा क्या था, ये था, ठीक है। तो मूलधन गुणा 100, 10 तो कितना आया, 30% मेरी क्या आ गई, दर आ गई। तो 30% दर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं 15वें सवाल की तरफ। 15वां सवाल, सारे क्वेश्चन आसान है, थोड़े थोड़े ट्रिकी हैं, आप इसको देखते जाइए और सवालों को करते जाइए। 30 कर्मचारी और 5 प्रबंधकों का औसत मासिक वेतन इतना है, तो ठीक है, मैंने क्या किया, 35 हो गए टोटल और 80 40 यही लगेगा, ठीक है। और 101,80,000 रुपये वेतन वाले एक प्रबंधक को नए प्रबंधक द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो जब अब नए औसत वृद्धि इतनी हो जाती है, 1500 घट गया हो जाता है, तो नए प्रबंधक का मासिक वेतन कितना है, ठीक है। बड़ा आसानी से इस सवाल को करते हैं दोस्तों, औसत के इस तरीके के सवाल में हम क्या करते हैं, जो टोटल अमाउंट जो व्यक्ति जाने वाला होता है उसकी राशि को लिख लेते हैं, उसकी राशि में से जितने टोटल लोग होते हैं वो यहाँ लिख लेते हैं, और जितना उनके वजन में कमी हो रही होती है उसको लिख लेते हैं। जैसे औसत पहले था 80,000, अब कितना रह गया, 78,500, तो इसका मतलब 1500 की क्या हो गई, कमी हो गई, मैंने इसको लिख लिया। अब इस वाली संख्या में से इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई जो आएगी वो घटा देंगे, बस वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 15×5 = 75, हाथ से लगे 3 7, और 15 × 3 = 45 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 52। तो अगर मैंने ये घटा दिए 1,80,000 में से तो कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 5, ठीक है, और यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 9 7, यहाँ बच जाएगा 12 5 12, ठीक है। ये आ गया मेरा आंसर, तो कितना आ गया, ये ऑप्शन नंबर कौन से में है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, तो ये 3 में है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो आपको इसी बेस से सवाल करना है औसत का, ठीक। आप वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन उतारिएगा, ये ध्यान रखिएगा, मैं तेज इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाता है तो अपलोड होने में दिक्कत होती है। तो कह रहा है, एक लंबवती शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, यदि इसके आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है। एक लंबवती शंकु है दोस्तों, इसकी ऊंचाई 8 दे रहा है और इसका व्यास दे रहा है 12, इसका व्यास कितना दे रहा है दोस्तों, 12, तो इसकी त्रिज्या 6 हो गई। जब हम ट्रिपलेट पढ़ते हैं दोस्तों, ट्रिपलेट बनाने के लिए 8 6 यहाँ पर कितना आता है, 10 आता है, इस चीज़ को हमें ध्यान कर लेना है। कैसे, यहाँ 3 होगा दोस्तों, यहाँ 4 होगा, ये 5 होगा, इसका डबल करेंगे ये 6, ये 8 और ये 10 हो जाता है, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाता है, ये ट्रिपलेट आपको याद है तो आप मल्टीप्लाई करके ये ट्रिपलेट भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 6 8 और जब है तो दोगुना कर दिया हमने तो कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसकी जो भुजा है यानी कि कर्ण है वो कितना हो गया, 10 हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शंकु का पकीर पृष्ठ पूछ रहा है, तो पाई आर एल होता है, कितना होता है, पाई आर एल होता है, तो पाई का मान कितना हो गया, 22/7 हो गया, आर हमारा कितना हो गया, 6 हो गया, और एल कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक। तो हम गुणा करते हैं 10 × 60 या 6 × 12 = 132 ये जो आंसर है वही हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर दूसरा इज द राइट आंसर, कौन सा हो गया, दूसरा इज द राइट आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले 17वें सवाल की तरफ। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2 है तथा उनके आधारों का अनुपात 3:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, ठीक है। 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 किसी भी त्रिभुज का आधार इंटू ऊंचाई,
दो त्रिभुज हैं तो क्या हो जाएगा, एक बटे दो आधार वन और ऊंचाई वन, आधार टू और ऊंचाई टू बराबर एक बटा दो। ठीक, एक बटा दो से एक बटा दो तो कैंसिल हो गया, सॉरी चार तीन अनुपात चार है, तीन बटा चार इनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। ठीक है, तो आधार इसने दे दिया, आधार दे दिया इसने, आधारों का अनुपात तीन अनुपात चार है, क्षेत्रफलों का अनुपात एक अनुपात दो है। तो आधार ऊपर वाले का तीन है, नीचे वाले का चार है, तो ऊंचाई h1 बटे h2 बराबर एक बटा दो, दो दूनी चार कट गया, तो h1 इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो h1 बटे h2 कितना आ गया, टू अपॉन थ्री। टू अपॉन थ्री कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, चौथे ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अठारहवें सवाल की तरफ पढ़ते हैं, अठारहवें सवाल की तरफ पढ़ते हैं। अठारहवें सवाल कह रहा है, एक थैले में एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये के सिक्कों के मूल वर्ग में 840 रुपये हैं, एक रुपये, दो रुपये और पाँच रुपये के सिक्के आए आठ अनुपात एक अनुपात पाँच के अनुपात में, थैले में पाँच रुपये के सिक्के कितने हैं। तो सीधा सीधा आप हमें क्या करना है, जो रुपये के जो रेशियो दिए हैं, एक रुपये का है, दो रुपये के हैं और पाँच रुपये के भी सिक्के हैं, तो इसमें कह रहा है कि टोटल मूल वर्ग कितना है, 840 है और रेशियो में कितने हैं आठ, ये सिक्के हैं, सिक्के हैं, ये आठ है, ये एक है, ये पाँच है। अब दोस्तों अगर मैं रुपए का, अगर दोस्तों सिक्के का रेशियो देगा तो आपको रुपए देगा टोटल, तो टोटल रुपए कितने दे दिए उसने, टोटल जो रुपए दे दिए हैं उसने 840 दिए हैं, कितने दिए 840, तो हम रुपए का रेशियो निकालेंगे, रुपए का रेशियो में आठ एकम आठ आ गया, दो एकम दो आ गया, पाँच एकम पचम पच्चीस आ गया, कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, एक रुपए के आठ सिक्के हैं तो आठ रुपए हो गए, एक रुपए का, दो रुपए का एक सिक्का है तो दो रुपए हो गए आपकी जेब में, और पाँच रुपए के पांच सिक्के हैं तो पच्चीस रुपए हो गए। अब मैं सबको जोड़ूंगा तो कितने हो गए, पैंतीस हो गए, और पैंतीस बराबर कितने के हो गए, 840 के हो गए। अगर मैं काटूंगा सात पंजे पैंतीस होते हैं और सात एकम सात दूनी चौदह होते हैं, अगर इससे भी इसको काटूंगा तो पाँच दूनी दस, पाँच चौक बीस, एक बराबर कितने के हो गए, चौबीस के। तो मुझे निकालने किसके सिक्के हैं, पाँच रुपये के सिक्के निकालने हैं, तो चौबीस पंजे कितने होते हैं, 120 होते हैं, चौबीस पंजे 120 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर चार इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन चार क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, अठारहवें सवाल के बाद में उन्नीसवें सवाल की तरफ चलते हैं, वो भी बहुत ही आसान है जो कि आपकी स्क्रीन पर आ गया। ठीक, कह रहा है ग्यारह भाग चार माइनस दो बटा तीन नौ बटा आठ। ठीक है, दो ग्यारह माइनस ग्यारह भाग चार माइनस दो बटा तीन, ठीक है, ऑफ नौ बटा आठ प्लस ग्यारह। अब इसका मान बताना है, इसका मान कितना होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पर 11 लिख दिया हमने, भाग लिख दिया 4 माइनस, ये ऑफ होता है, मैंने कहा था सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व कर देंगे, प्लस 11, तो 3 तिया 9 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, तो कितना आ गया, 3 बटे 4 आ गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 11 बटे 4 माइनस 3 बटे 4 प्लस 11, 11 में से 3 घटाऊंगा तो 8 बटे और 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड कर दूंगा। देखो, जब हर समान होता तो ऊपर वाली संख्याएं घट जाती हैं, तो 8 बटे 4 बटे 11 हो गया एक, तो अगर मैंने इसको 4 दूनी 8 कर दिया तो 2 आ गया, 2 और 1 13 होते हैं, 11 और 2 13 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, एक इज़ द राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर एक राइट हो गया। ठीक है, 20वें सवाल की तरफ आते हैं, दो संख्याओं का लघुतम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 30 और 5 है, तो यदि उनका योग 25 है तो उन इन दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, आपको समय लगेगा ही नहीं, आप 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, मुझे बोलना भी होता है लिखना भी होता है इसीलिए मुझे टाइम इसमें लग जाता है। ठीक है, आगे है दो संख्याओं का लघुतम समावर्तक LCM कितना है दोस्तों, 30 हो और HCF कितना हो दोस्तों, 5 हो, ठीक है, और उनका योग जो टोटल योग है वो कितना हो, 25 हो। तो मैंने मान लिया दो संख्याएं A और B हैं और इनका टोटल कितना होगा, 25, तो मैं इसमें क्या करूँगा, अनुमान लगाऊँगा। अनुमान कैसे लगाऊँगा, 25 किस किस संख्याओं का होता है जिनका जो 5 से कट जाए, क्योंकि 5 से कट जाएंगे तभी तो HCF आएगा। तो मैंने देखा यहाँ तो एक तो 15 है और दूसरी 10 है, यही दो संख्या है जो कट जाएंगी, 25 आएगा, तो इन्हें जोड़ के 25 भी आ रहा है। अब मैं काट रहा हूँ तो इस पर HCF कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, अब मैं दोनों का इन दोनों का LCM लूँगा तो कितना आएगा, 30 आएगा। तो पूछ क्या रहा है हमसे, पूछ रहा है अंतर, पूछ रहा है, तो 15 में से 10 जाएंगे तो कितना आएगा, अंतर 5 आएगा,
तो 5 इज़ द राइट आंसर। 5 कितना हो गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट। ठीक है, अगर कोई बच्चा बेसिक से भी पूछना चाहेगा ये सवाल कैसे होगा, मैं उसको भी बता दूंगा। ठीक है, अभी तो मैं शॉर्टकट में निपटाता हूँ, 21वें सवाल के में आ गया मैं। ठीक है, एक दुकानदार 15% की छूट पर एक कूलर बेचता है, यदि वह 19% की छूट देता तो उसे 332 रुपये कम कमाता, तो कूलर का अंकित मूल्य क्या है। बहुत ही अच्छी बात है, पहले वो कितने पर बेच रहा था, 15 पे, अब वो कितने बेच रहा है, 19 पे, अब वो 19 पे बेच रहा है तो 15 से, तो इसे कितने का फायदा कम रुपए मिलेंगे, 332, तो यहाँ पर कितने बढ़े, 4%, इसका मतलब 4% की वजह से ये सब हुआ। 4×8 1% बराबर कितना हो गया, 4×8 32 और 4×3 12, तो 100% का मान कितना हो गया दोस्तों, 8300 रुपये, और 8300 क्या हो गया इसका अंकित मूल्य हो गया। अंकित इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, दूसरा इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22वें सवाल की तरफ। 22वें सवाल में कह रहा है, सबसे कम निर्यात वाले वर्ष के निर्यात का दूसरे सबसे अधिक निर्यात वाले वर्ष के दूसरे अधिक निर्यात वाले वर्ष के निर्यात से अनुपात क्या होगा। तो ये सवाल ये कहना चाह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि सबसे कम निर्यात, तो सबसे कम निर्यात कितना है दोस्तों, 500। अब दूसरे सबसे कम निर्यात कितना है, दूसरा सबसे कम निर्यात है मुझे दिखाई दे रहा है 1200। दूसरा सबसे कम निर्यात कौन सा है, 1200। सबसे ज़्यादा कितना है, 1300, तो दूसरा सबसे कम 1200। ठीक है, तो मैंने इसका 20 से 20 डाल दी, तो आंसर क्या आ गया, 5:12 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर दूसरा इज़ द राइट आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, दूसरा इज़ द राइट आंसर हो गया। 23वें सवाल में क्या बात करते हैं, 23वां सवाल, 23वां सवाल कह रहा है कि एक्स वाई से 80% अधिक है, एक एक्स है दूसरा कौन सा वाई है, ये एक्स वाई से 80% अधिक है, तो ये 100% है, तो ये 180% होगा, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 कट गया, दोनों में 18, 2×5 कितना हो गया, 10 हो गया। सवाल ये कह रहा है कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है दोस्तों, कितना कम है, 4 कम है, कहाँ से कम है, 9 से कम है, तो गुणा 100, तो कितना आ गया, 400/9, 9 से भाग दूंगा, 9×36, फिर 40 बचे, 9×36, इसी तरीके से ये आंसर आ जाएगा, 44.44 आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर हो गया। आगे आते हैं 24वें सवाल की तरफ, 2 सवाल बचे हुए हैं दोस्तों, इनको और कर लेते हैं अच्छे से। पी क्यू आर 7:4:9 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं, यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 6680 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया, तो पी और क्यू एक साथ कुल हिस्सा क्या है। ठीक है, तो पी यहाँ पर आ गया, क्यू यहाँ पर आ गया, आर कहाँ पर आ गया, आर यहाँ पर आ गया, और 7:4:9 हो गया, 7:4:9 का रेशियो है। अगर मैं, ये क्या है, इन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाया है और इनका जो वार्षिक लाभ है वो कितना है, 6680 रुपये। दोस्तों मैंने आपको बताया है, जब भी पार्टनरशिप के सवाल आते हैं तो उसमें अगर हम जो धनराशि का रेशियो होता है उसको मंथ या साल से गुणा कर देते हैं तो उनका क्या प्राप्त होता है, हमें प्रॉफिट प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। अगर पूरी साल की बात कर रहा है तो 1 से गुणा यहाँ कराएं, पूरी साल की बात कर रहा है तो यहाँ 7, यहाँ 4, यहाँ 9 प्राप्त हो जाएगा। तो अगर मैं काटूँगा 7, 4, 11, 9 कितने हो गए, 20 हो गए, कितने हो गए, 20 हो गए, 20 बराबर कितने के हो गए, 6680 के, 1 बराबर कितने हो गए, कितने के हो गया, 2×3 6, 2×3 4, 1 बराबर 334 के। पूछ क्या रहा है मुझसे, पूछ रहा है कि P और Q का कितना है, 11 से क्या करा दूंगा, मल्टीप्लाई, 11×4 44, हाँ से लगे 4, 11×3 33 8 37, हाँ से लगे 3, 11×3 33 और 33 और 6 36। ठीक है, तो 3674 क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर हो गया। ठीक है, 25वें सवाल भी चलते हैं, 25वें सवाल भी इसी की तरह हैं, बिल्कुल सेम। 25वें सवाल पे हम लोग आ गए, KLM क्रमशः 15, 20 और 27 के अनुपात में धनराशि का निवेश करते हैं, यदि उन्होंने वर्ष के अंत में 10,230 रुपये का कुल लाभ अर्जित किया हो, तो उनके के और एल के हिस्सों के बीच का अंतर निकालना है। इसमें क्या निकालना है दोस्तों, अंतर निकालना है। तो ठीक है, यहाँ के एल एम तो यह 15 है, ये कितना है, 20 है, और ये कितना है, ये कितना है, ये 27 है।
तो सवाल मैंने जैसे उसमें कर रहा है सेम उसमें, इसमें भी क्या होगा, वार्षिक लाभ जो होगा टोटल इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे एक से, तो वही आ जाएगा। मतलब एक से मल्टीप्लाई, इसकी इस साल के अंत की बात कर रहा है ना, यहाँ पर पूंजी यहाँ समय मल्टीप्लाई करा दी तो वो लाभ हो जाता है। तो हम तीनों को अगर जोड़ लें तो कितना 35 और 27 62 होते हैं, कितने होते हैं 62 बराबर कितने 10,230 के, ठीक है। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो 62 एकम 62 बचे कितने 62 एकम 62 40 बच का 40 और 403 हो गए छंग, ठीक है। इसको 6 बार में गए 62 और 10 230, एक बार गया 62 आ गया बचा कितना 043, तो 6 बार गए 6 × 12 हंसे लगा 1 6 3 36 37 बचा 3 यहाँ 10 में से 4 गए 310 होते हैं 5 बार, ठीक है। तो 165 टाइम में कट गया दोस्तों, कितना कट गया 165 टाइम में कट गया। अब पूछ रहा है K और L का अंतर बता दो, K और L का अंतर कितना है दोस्तों 5 का, तो 5 से क्या करा दूंगा मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 5×25 आ गया, ठीक है। 5×6 30 और 2×32 आ गया, 5×5 3 825, तो क्या आ गया 825 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये रहे दोस्तों 25 सवाल SSC GD मैथ्स प्रीवियस साइट के, ये 2000 शायद कब का है पीछे का सवाल पेपर है, प्रैक्टिस पेपर मैं उसको करा रहा हूँ। ये सवाल आपको कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, आपने कितना स्कोर किया उसको भी मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, रीजनिंग या मैथ की क्लास लेके आऊँगा आगे, फिर आप अपना स्कोर ज़रूर ही कमेंट में करें कि मेरा स्कोर सर इतना है, और आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, हेल्पफुल हैं या नहीं है कमेंट में ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।